हेलो एंड वेलकम टू बुलेट राजा। वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टैंक के पैड में दिक्कत थी, तो यहाँ पर देखिए ये जो पैड है ये कलर छोड़ रहा था, और प्रीवियस वीडियो में आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों सेट ही चेंज करवा दूँ, तो इसीलिए आज मैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पर आया हूँ, जो कि इस गली में अंदर की तरफ है। तो देखिए, और इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर ये लगवाना है तो, और कितने टाइम में ये लग जाता है, तो सब कुछ होगा इस वीडियो में। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बाइक मैंने हैंडओवर कर दी है और ये है सर्विस सेंटर, जहाँ पर नमस्ते भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बस बढ़िया। इनसे हम करवाते हैं सर्विस। एक है 375 का भाई साहब, और दूसरा कितने का है? दोनों सेट अगर करवाते हो 400 का। रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर है वो आगरा में, एक बार दिखा दूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई हैं, जैसे बुलेट अड्डा भी है यहाँ पर, और केक्स एंड मोर है, और यहाँ पर देखिए कार की वॉशिंग भी होती है, एंड बाइक की वॉशिंग, पॉल्यूशन यहाँ हो जाता है बाइक का या कार का, जिसका भी कराना चाहें। तो आगरा में है ये, आगरा रॉयल्स नाम से। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका व्यू है पूरा, शुरुआत से लेकर जहाँ से रोड स्टार्ट होती है आगे की तरफ। यहाँ आप देखेंगे तो शोरूम है, और यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं जो कि सर्विस के लिए जाती हैं, अंदर जाती हैं, जो आपको दिख रहा होगा अंदर एक सर्विस सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको और जूम आउट करता हूँ, यहाँ से अंदर की तरफ जाती हैं, अंदर का एरिया भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। भाई अंदर सर्विस सेंटर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ के नज़ारे। ये इनका फ्रंट डेस्क है, ये है वेटिंग एरिया यहाँ पर, और ये है सर्विस सेंटर। शाम के 5:30 बज रहे हैं, और बाइक का जो एक पैड लगवाना था वो रेडी हो चुका है, तो चलिए लेकर आते हैं बाइक को। बिल प्रोसेस में काफी टाइम लग रहा भैया। बोले नहीं है तो ये बिल जनरेट हो चुका है, और ये बिल देख सकते हैं आप यहाँ पर, टोटल अमाउंट 601 रुपये का है, 600 रुपये मैंने दिए हैं, और ये टोटल कॉस्ट जो आती है ये राइट साइड का जो थाई पैड होता है उसको चेंज करने के लिए, वो 600 रुपये लगती है विद लेबर चार्ज, जिसमें 220 रुपये लेबर चार्ज है, और 380 रुपये करीब कॉस्ट जो है वो इसकी है थाई पैड की। ये देखिए लग चुका है थाई पैड अभी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा उजाला नहीं है इतना, तो ये नया लग गया है राइट साइड में, अब कोई कलर ये नहीं छोड़ रहा है। तो आप बिल में देख सकते हैं कि पार्ट इन्होंने लगाया है 380 रुपये का, और लेबर जो लगी है वो है 221 रुपये 25 पैसे की, तो टोटल अमाउंट जो है वो 601 रुपये 25 पैसे का, राउंड ऑफ करके 600 रुपये का पेमेंट उसको दिया है मैंने। तो ये बिल था, और बाइक दिखा दूँ यहाँ खड़ी हुई है, और ये जो है न्यू पैड लग चुका है अब इसके अंदर, तो ये रिप्लेसमेंट हुआ है, और ठीक रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर देखें दोनों को तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों का शेप, अगर आपको देखना हो कि सही लाइन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही अलाइनमेंट हुआ है और सही तरीके से उन्होंने लगा दिया है। देखने का तरीका ये भी है कि मान लीजिए यहाँ पर 3 फिंगर का गैप आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 फिंगर का अगर आ रहा है, तो फिर ये सही लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा सा लाइट में आपको दिखेगा, ये इतना स्पेस यहाँ पर है और इतना स्पेस यहाँ पर है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू
योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर नोन्स। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बुलेट राजा पर। थैंक यू।